घटना तो बड़ी जरूर है, दिन रात यही हो ही रहा है, कहाँ कहीं प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है। सब कुछ हो जाने के बाद प्रशासन महिला के का जब छीना गया है, जब चिल्लाने लगी उनके कंठ से आवाज नहीं निकल रहा, तब हम लोग देखे कि दुकान में बैठे हुए थे, देखे कि भाई क्या हुआ, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, जो पता चले दो मिनट तक, बाद में पता जब उनका आवाज लौटा तब वो बताई कि ऐसे ऐसे पर्स छीन करके भाग गया। बाइक सवार अपराधियों ने शिक्षिका से 1.5 लाख रुपए की छिनतई कर लिया, इसमें वह सड़क पर ही मुंह के बल गिरकर चोटिल हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर की है। महिला अपने ससुर के साथ भगवानपुर स्थित SBI शाखा से रुपए निकासी कर लौट रही थी। इसी बीच सड़क पर पार करने के दौरान बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। शक के आधार पर एक युवक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस उसे थाने पर पूछताछ कर रही है। प्रीता भगवानपुर अलकापुरी की रहने वाली शिक्षिका अर्चना कुमारी है। महिला ने बताया कि वह सरैया प्रखंड के रुपौली में प्राथमिक स्कूल में शिक्षिका है। उनके पति विकास कुमार आवास सहायक है। वे अपने ससुर के साथ भगवानपुर स्थित SBI शाखा में रुपए निकासी करने के लिए पहुंची थी। खेत के काम के लिए ससुर को रुपए देने थे। बैंक में निकासी के दौरान एक युवक उन्हें बार बार देख रहा था। इस पर उन्होंने रुपए अपने पर्स में रखकर हाथ से कस कर पकड़ लिया। बैंक से वह बाहर आई, पीछे से युवक भी फोन पर बात करते हुए आया। ससुर बाइक निकाल रहे थे, इसी बीच वे सड़क पार करने लगी। सड़क पार करने के दौरान ही बाइक सवार दो बदमाश आए और रुपए छीनने लगे। उन्होंने पर्स कसकर पकड़ रखा था। इसके बाद बदमाशों ने झटका देकर उन्हें सड़क पर गिराकर रुपए से भरा पर्स लेकर भाग निकले। वे शोर मचाती रह गई, तब तक बदमाश तेज रफ्तार में पता ही की ओर निकल गए। इसमें वे चोटिल भी हो गए। बैंक से 200 मीटर की दूरी पर दौड़कर रेकी करने के आरोप में एक युवक को पकड़ा। घटना तो बड़ी जरूर है, दिन रात यही हो ही रहा है, कहाँ कहीं प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है। सब कुछ हो जाने के बाद प्रशासन महिला के का जब छीना गया है, जब चिल्लाने लगी उनके कंठ से आवाज नहीं निकल रहा, तब हम लोग देखे कि दुकान में बैठे हुए थे, देखे कि भाई क्या हुआ, वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, जो पता चले दो मिनट तक, बाद में पता जब उनका आवाज लौटा तब वो बताई कि ऐसे ऐसे पर्स छीन करके भाग गया। एक जो किसी को दौड़ते हुए गई है आगे तक, अपराधी तो इधर भागा, एक जो पकड़ाया हुआ है, शायद पकड़ाया हुआ है, वो उधर भागा, वहां पर वो अपने से दौड़ करके पकड़ी है। उसके बाद वही पुलिस आई, ले गया पुलिस। गाड़ी से था अपराधी, कौन सी गाड़ी से था? बाइक से था। अब कौन बाइक था, अब इतना तो लोग ध्यान देता नहीं है। जब यहाँ पर जनप्रतिनिधि क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन? जनप्रतिनिधि का पुलिस प्रशासन एक्टिव हो, लोगों को सुरक्षा मिले। मेरा नाम मणिभूषण सिंह हुआ, अलकापुरी के हम रहने वाले हैं। वो पुतुओं के साथ हम गए हैं, पैसा निकाले हैं 1.5 लाख रुपया बैंक से, स्टेट बैंक से, हरियाबा रोड से। और पैसा लेकर के बाहर जब निकले हैं तो कुछ गुंडे लोग आया है और आपको झपट्टा मारा है। पल्सर गाड़ी से था, दो आदमी था, हम देखे हैं दो आदमी था उसमें, और दोनों आदमी जो है तो वो आपको पैसा लेकर के पश्चिम की ओर भागा है। मैं चाहता भी हूँ लेकिन उन लोग पकड़ाया नहीं है। उसमें लाइनअप करने के लिए एक आदमी अंदर बैठा हुआ था, जो मेरे सामने ही अगर जो है तो लाइनअप कर रहा था नहीं, हमको संदेह उस समय भी अगर हुआ है, लेकिन उसे हम कर भी मैंने कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि कस्टमर बैंक है वो तो। लेकिन अगर जब बाहर जब हम निकले हैं तो ये आदमी जो है पकड़ा गया है, तो अभी जो है पुलिस कस्टडी में अभी पड़ा हुआ है। 1.5 लाख रुपया था। काहे निकालने गए थे, क्या काम था? क्या काम था? अब काम तो काम क्या क्या बताया, 50 काम अगर हो सकता है, काम के बारे में क्या बताया? कौन बैंक में गए थे? स्टेट बैंक आपको रेवा रोड में। हथियार वगैरह भी था आपके पास में? हथियार तो हमारे हम उसको देखे नहीं है ना, हथियार हमने देखे हैं। कितने लोगों से था वो? दो आदमी तो हम देखे हैं कि उसको जो है तो लेकर भागा है, उसको जो है सो पीछा उछा भी किए थे। हाँ, पीछा तो हम किए हैं, लेकिन अगर जो उसका उसके पास पल्सर गाड़ी था, मेरे पास पैसन था, तो पैसन से कहाँ तक पीछा वो आपको फर्दों तक हम उसका पीछा किए हैं। हाँ, भाग गया। पकड़ा है ये।